हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन सा है कि सिसवॉल रिप्लिकेशन और एडी रिप्लिकेशन एक ही चीज है, जबकि दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, सिसवॉल का जो रिप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, एडी का रिप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कन्फ्यूजन है, वो हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू आप बहुत सारे आंसर्स भी जान जाओगे। ठीक है, तो जैसे DC01, एक हमने DC01 प्रमोट किया, DC01 जैसे ही हम प्रमोट करते हैं तो दो चीजें बन जाती हैं उस टाइम पे। एक डेटा के हिसाब से एक NTDS बनती है, दूसरा सिसवॉल फोल्डर बन जाता है। सिसवॉल फोल्डर हमारा क्या बनता है, ये जो फोल्डर होता है ये हमारा सी ड्राइव के अंदर होता है, मतलब जहां पे भी आपने डेटाबेस की लोकेशन चूज की है। सी ड्राइव जनरली हम डिफॉल्ट लोकेशन होती है। ठीक है, तो NTDS हमारा क्या होता है, NTDS के अंदर हमारे पार्टीशंस होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, पार्टीशंस होते हैं और पार्टीशंस में जैसे हमारा स्कीमा का बैक डेटा हो गया, ठीक है, स्कीमा का डेटा हो गया हमारा, ठीक है, और डोमेन का डेटा हो गया, डोमेन पार्टीशन का डेटा हो गया। डोमेन पार्टीशन में किसमें हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ईडी के सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एडी के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें, और फिर कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। ठीक है, और एप्लीकेशन पार्टीशंस हो गया। ठीक है, डोमेन नेमिंग पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। सिसवॉल एक हमारा क्या होता है, फोल्डर होता है। फोल्डर में हम क्या चीजें रख सकते हैं, हमेशा फाइल्स। ठीक है, फोल्डर में हम फाइल्स रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप पॉलिसी कंसोल हमारा बनता है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, दो दो टाइप के ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है कंटेनर, ठीक है, दूसरा होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स दोस्तों हमारी क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। तो फाइल्स हैं तो फाइल्स किस में जाएंगे, फोल्डर में। ठीक है, और कंटेनर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट किस में जाएंगे, इसमें। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंसोल एक होता है हमारा। यूजर्स कंसोल्स में क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। ठीक है, यूजर्स के सारे एट्रीब्यूट तो बाय डिफॉल्ट इसमें रहते हैं, सब कुछ इसी में रहता है, बट यूजर्स के साथ में हम कुछ स्क्रिप्ट लिंक करते हैं। ठीक है, लिंक करते हैं, जस्ट लाइक लॉग ऑन स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, वो स्क्रिप्ट क्या होती है, हमारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट को हम फाइल्स में, बैच फाइल हुई या PS1 फाइल हुई, ठीक है, वो फाइल्स होती हैं। फाइल्स हमेशा कहाँ स्टोर होती हैं, फोल्डर्स में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गए, स्क्रिप्ट फाइल्स आ गई। ठीक है, लॉग ऑन इसमें हो गए, जैसे लॉग ऑन एक सिंपल एग्जांपल है, लॉग ऑन हो गई। ठीक है, और हमारी टेम्पलेट्स इसमें आ गई। ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर और होता है, नेट लॉग ऑन। ठीक है, नेट लॉग ऑन फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट सारी होती हैं, लॉग ऑन स्क्रिप्ट ये। ठीक है, अभी चल के हम दिखा भी देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सिंगल डोमेन कंट्रोलर है, अभी तक रिप्लिकेशन वर्ड नहीं आया। ठीक है, जैसे एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर आ गया हमारा पिक्चर में, अब ये डोमेन कंट्रोलर हमारा हो सकता है सेम साइट में हो जिसमें DC01 हो, या डिफरेंट साइट में हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसके बेस पे इंट्रा और इंटरनेट हो जाता है, सॉरी इंट्रा और इंटरनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम ये दो साइट्स बना देते हैं। हम जस्ट सपोज यहाँ पर हम उस कंसेप्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको समझेंगे। अब क्या हुआ कि जो इसका रिप्लिकेशन है इस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, वो एडी रिप्लिकेशन के थ्रू जाएगा। ठीक है, एडी रिप्लिकेशन हमारा किसके बेस पे होता है, इंट्रा या फिर इंटर। ठीक है, सेम साइड में तो इंट्रा, डिफरेंट साइड में तो इंटर। ठीक है, तो ये रिप्लिकेशन जो होता है वो KCC यहाँ पे आ जाता है हमारा, KCC और ये सारे वर्ड्स ब्रिज हेड यहाँ पर आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए रखी है, तो आप देखिए। और सिस वॉल का जो रिप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर भी आपने जब ये फोल्डर बनाया, ये सारी चीजें बनाई, तो यहाँ पर भी एक NTDS बना होगा जब ये डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया है, और एक सिस वॉल फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, सिस वॉल फोल्डर यहाँ पर बना, यहाँ पर इनमें से कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो रिप्लिकेट होता है इसके थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एक नई GPO बनाते हो, उसमें कोई भी चेंजेस हुए या स्क्रिप्ट चेंजेस हुए, तो ये रिप्लिकेट होगा इसके साथ में। तो ये जो रिप्लिकेशन होता है, ये हमारा होता है FRS के थ्रू, या हमारा होता है DFSR। FRS हमारा
ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मोस्टली अब नहीं यूज हो रहा होगा, लेगेसी है, ठीक है, लेगेसी हो गया। ये होता था हमारा 2003 के आसपास, विंडोज 2003 के आसपास, ठीक है। DFSR अगर यूज कर रहे हो आप, अभी करंटली DFSR यूज हो रहा है, उस DFSR किसको रिप्लिकेट करता है, सिसवॉल फोल्डर को, ठीक है। तो क्या होता है जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं ना, तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे लिए ट्रबल शूटिंग बहुत ही इजीली हो जाती है, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हम किसके इवेंट चेक करेंगे, इसके इवेंट चेक करेंगे, अगर ये सर्विस हमारी रनिंग है या अगर ये है, ठीक है, तो इन दोनों के इवेंट चेक करेंगे, ठीक है। AD रिप्लीकेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस और सिसवॉल रिप्लीकेशन डिफरेंट प्रोसेस है। चल के एक बार हम डोमेन कंट्रोलर पर देख लेते हैं, ठीक है, सिसवॉल फोल्डर की लोकेशन। और तो ये दोस्तों आ गया हूं मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। अगर मैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर DC01, ठीक है, DC का नाम, और जैसे आप DC01 लिखोगे, ठीक है, ये backslash करोगे, तो आपको सिसवॉल दिखने लगेगा, सिसवॉल फोल्डर दिखने लगेगा। हिट करोगे तो यहाँ पर डोमेन का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिसवॉल फोल्डर के अंदर हम आ गए, सिसवॉल फोल्डर के अंदर डोमेन का एक फोल्डर है, उसके अंदर पॉलिसीज हैं। ये हमारी पॉलिसीज किसकी हैं, जो मैंने टेम्पलेट बताया है, ये हमारी टेम्पलेट किसकी है, ग्रुप पॉलिसीज की टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसीज की हमारी टेम्पलेट्स हैं। अगर आप इसका ये नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पर 6A, ठीक है, ये GUID लिखी हुई है, अगर आपको किसी भी ग्रुप पॉलिसी से मैच कराओगे तो ये मैच हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी में भी एक GUID नंबर लिखा होता है, आप मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी ग्रुप पॉलिसी का हो गया डेटा, और ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है, अभी कोई स्क्रिप्ट है नहीं तो इसलिए नहीं दिख रही। अगर हमें ये क्या शेयर फोल्डर है, ठीक है, सिसवॉल एक शेयर फोल्डर है, अगर मैं यहाँ पर नेट शेयर करूं तो सिसवॉल भी मुझे दिख जाएगा। ये देख रहे हो आप, सिसवॉल एक शेयर फोल्डर है और ये भी एक शेयर फोल्डर है नेट लॉग ऑन। अगर सिसवॉल की आपको एक्चुअल लोकेशन देखनी है, ठीक है, फिजिकल लोकेशन देखनी है, एक्चुअल लोकेशन देखनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, विंडोज में आओगे, सी विंडोज के अंदर, और सिसवॉल यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको सिसवॉल ये दिख जाएगा फोल्डर। सिसवॉल के अंदर ये आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी, जो ये सिसवॉल फोल्डर है ये हमारा शेयर है, ठीक है। अगर आप इस पे जाके चेक करोगे तो ये आपको सिसवॉल दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर बनता है, ठीक है, आपको इसको कोई बनाने मतलब किसी बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बनता है फोल्डर, ठीक है। अगर आप इसमें परमिशंस देखोगे जाके, तो यहाँ पर परमिशंस है, एवरीवन को रीड परमिशंस है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि एवरीवन को रीड परमिशन है, इसके अंदर स्क्रिप्ट होती है, टेम्पलेट्स होती हैं, तो ये डोमेन कंट्रोलर तो इसको एक्सेस करते ही से करता है, साथ में डोमेन में कोई भी जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो भी इसको एक्सेस करती हैं, ठीक है। वो डिवाइसेस हमारी कोई भी हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, अगर डोमेन में है, उसको ग्रुप पॉलिसी अपने सिस्टम पे अप्लाई करनी है, तो वो टेम्पलेट्स कहाँ से उठाता है, वो सिसवॉल से उठाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।